बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास का ऐलान, फेसबुक पोस्ट में अपने फैसले का जिक्र किया। बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से भी दिया इस्तीफा, लिखा चुनाव से पहले बीजेपी से मतभेद आए थे सामने। अपने ऐलान के बाद बाबुल सुप्रियो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया बदलाव, पहले खुद को लिखा था बीजेपी समर्थक। मंत्री पद से हटाए जाने से खफा थे बाबुल सुप्रियो, कुछ नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बाबुल के फैसले पर प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में रहना न रहना एक निजी फैसला। असम मिजोरम में बरकरार है तनाव, अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बोले किसी भी जांच के लिए तैयार। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने रखी जांच की शर्त, कहा कोई न्यूट्रल एजेंसी करे मामले की छानबीन। असम मिजोरम तनाव पर सियासत तेज, राहुल का केंद्र पर आरोप, न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित और न ही राज्य की सीमा। ललन सिंह को चुना गया जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी में फैसला। बिहार के मुंगेर से जेडीयू सांसद है ललन सिंह, नीतीश के माने जाते करीबी। आज तक से बोले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू से नहीं है कोई भी मतभेद, साथ मिलकर करेंगे काम। एवरीवन न्यू ही इज द पार्टी प्रेसिडेंट थे और मैं चीफ मिनिस्टर था, अब क्यों ये बात क्यों आने लगी, आनी नहीं चाहिए ये बात। वी आर ऑल वर्किंग एज वन टीम, तो अब से हम शुरू करेंगे, पार्टी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, हमारा काम और कुछ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पंजाब सरकार ने विकास के ज्यादातर वायदे पूरे किए, बचे काम भी चुनाव से पहले हो जाएंगे पूरे। झारखंड सरकार ने धनबाद में जज की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की, अभी एसआईटी कर रही है छानबीन। 28 जुलाई को हुई थी जज उत्तम आनंद की संदिग्ध सड़क हादसे में मौत, मॉर्निंग वॉक करते वक्त टेम्पो ने मारी थी टक्कर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारण का विवादित बयान, बोले नेहरू के 15 अगस्त 1947 के भाषण के चलते बिगड़ी है इकोनॉमी, बढ़ी है महंगाई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने की योगी की तारीफ, कहा विधानसभा में मैंने पहले भी कहा है कि योगी ईमानदार है। शिवपाल यादव बोले प्रदेश की नौकरशाही मुख्यमंत्री के कब्जे में नहीं, सरकार की व्यवस्था नहीं होने से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की गई जान। यूपी में कांग्रेस नेता ने किया आजम खान के स्वास्थ्य और रिहाई के लिए यज्ञ हवन, कहा समाजवादी पार्टी और योगी सरकार दोनों ही मिलकर उनका कर रहे शोषण। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले आमिर खान और किरण राव, जम्मू कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी पर हुई बात। मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल कोर्स में मिलेगा 27% आरक्षण। ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात, को हिरासत में लिया। कोकराझार में छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, रिजल्ट के ऐलान को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, बद्रीनाथ हाईवे 58 पर लामबगड़ खचरा नाला और पंडुकेश्वर में रास्ता बंद। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से पक्के घाटों का आपसी संपर्क टूटा, तटीय लोगों की बढ़ी मुसीबत। रांची पर टूटा 48 घंटे की मूसलाधार बारिश का कहर, मंदिर के बीच से बहा दरिया। धनबाद में दो जगहों पर जोरदार धमाके से फटी धरती, 5 फीट चौड़ा हुआ गड्ढा। झारखंड के लातेहार में बारिश से गिरा मकान, 2 लोगों की गई जान। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 346 नए मामले, 9 की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 58 नए मामले, 1 की मौत। दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव तेज, सीएम केजरीवाल ने कहा अब तक 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। केरल में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले, 80 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 38 लोग कोरोना वायरस से बीमार, 56 लोग रिकवर भी हुए। दिल्ली का कुख्यात क्रिमिनल काला जठेड़ी गिरफ्तार, 7 लाख का इनाम था। जठेड़ी की गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा भी गिरफ्तार। गाजियाबाद में
11 साल की बच्ची ने पिता से 1 करोड़ की मांगी फिरौती। मां के व्हाट्सएप से धमकी देते हुए बच्चों की हत्या की दी थी धमकी। रतलाम में कारोबारी की बेटी के साथ रेप, ब्लैकमेल करके वसूले 1,45,00,000 रुपए। इंदौर में जहरीली शराब कांड में 5 गिरफ्तार, गैर रातन हत्या का मामला दर्ज। फरीदाबाद में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। महाराजगंज में बुजुर्ग दंपति की पिटाई का लाइव वीडियो वायरल, बेटे और बहू ने की मारपीट। अलवर में आकाश गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार, हथियार समेत गाड़ी बरामद। कानपुर में लाखों की ठगी करने वाला नाइजीरियाई युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए बनाता था निशाना। कानपुर में एटीएम से छेड़छाड़ करके लाखों की ठगी करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार, 250 एटीएम कार्ड और 6,00,000 कैश बरामद। मथुरा के सदर बाजार क्षेत्र में यमुना में डूबे 4 युवक, 1 को बचाया गया, 3 की मिली लाश। सोनीपत में युवक की गोलियों से भूनकर हत्या, बंद ढाबे के पीछे मिला शव। मोतिहारी पुलिस का दागदार चेहरा एक बार फिर से हुआ उजागर, वायरल वीडियो में तस्करों से पुलिस अधिकारी की बातचीत का खुलासा। हाथरस में शक होने पर पत्नी की हत्या, शव को जलाया, एक ग्रामीण की शिकायत पर आरोपी पति पर केस दर्ज। प्रयागराज में टाटा मोटर्स के वर्कशॉप में मैनेजर से मारपीट, दबंगों ने टाटा सफारी गाड़ी की फ्री सर्विस नहीं करने पर पीटा। झुंझुनू में विवाहिता को घर से निकालने का मामला सामने आया, राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएस की परीक्षा नहीं पास होने के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाला। ओलंपिक्स में बैडमिंटन सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु, चीनी ताइपे की ताइजू यिंग ने सीधे गेम में दी मात, गोल्ड और सिल्वर से चूकी सिंधु, अब कांस्य पदक के लिए आज चीनी खिलाड़ी वेंग जियाओ से मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो में ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की कमलप्रीत कौर ने मारी बाजी, फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। भारत के बॉक्सर अमित पंगल की ओलंपिक में खत्म हुई चुनौती, 52 किलोग्राम वर्ग में कोलंबियाई बॉक्सर मार्टिनेज से 4-1 से हार कर हुए बाहर। भारतीय बॉक्सर पूजा रानी भी क्वार्टर फाइनल में हारी, चीनी बॉक्सर ली क्यू 0-5 से हराया। अमेरिका ने क्यूबा पर लगाए नए प्रतिबंध, क्यूबा सरकार पर हिंसा और दमन करने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे लोग। अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक लैब के खिलाफ चीन ने WHO पर और बढ़ाया दबाव, अब तक 20 करोड़ चीनी नागरिक ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान से जुड़े। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भी सख्त लॉकडाउन लागू, ब्रिस्बेन समेत कुल 11 जगहों पर लगाया गया प्रतिबंध, डेल्टा वेरियंट के 6 स्थानीय मामले आने के बाद। कोरोना को मात देने का दावा करने वाले चीन में भी बढ़ा डेल्टा वेरिएंट का कहर, जुलाई महीने में 328 नए मामले सामने आए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बेहाल, कराची समेत दक्षिणी सिंध प्रांत में लगाया गया लॉकडाउन, अगले 8 अगस्त तक इन सभी जगहों पर जारी रहेगी पाबंदी।